खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। एमपी के अन्य जिलों के साथ ही खंडवा में भी गुलाबी ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। सर्दी बढ़ते ही प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन खंडवा में कड़कनाथ की डिमांड पर ठंड का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है खंडवा के कृषि महाविद्यालय कड़कनाथ मुर्गी पालन इकाई केंद्र पर कड़कनाथ की डिमांड महज 10% से 15% ही है। इससे बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब की मदद से कड़कनाथ की डिमांड बढ़ाई जा रही है। ठंड का मौसम आते ही कड़कनाथ मुर्गों की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन खंडवा में अभी तक कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड उतना इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। कड़कनाथ की सुस्त पड़ी रफ्तार को बढ़ाने और किसानों को कड़कनाथ के पालन से जोड़ने के लिए कृषि महाविद्यालय में कड़कनाथ मुर्गी पालन इकाई ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर इसकी रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कड़कनाथ की डिमांड और इसके पालन को बढ़ाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर नाम से पेज बनाया गया है, जिसमें कड़कनाथ कैसे खरीदा जा सकता है इसकी जानकारी अपलोड की जाती है। कड़कनाथ के पालन के लिए किसानों को खरीदने में आसानी हो, इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पेज पर नंबर भी मौजूद है, ताकि आसानी से इससे कांटेक्ट कर कड़कनाथ के पालन संबंधित जानकारी आम लोगों को मिल सके। कड़कनाथ के नाम से 30 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। इसमें हर रोज कड़कनाथ पालन संबंधित पोस्ट की जाती है। वही अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। खंडवा के कृषि विज्ञान केंद्र में रोज कड़कनाथ मुर्गा और मुर्गियों की डिमांड बढ़ने लगी है। खंडवा जिले के साथ ही उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी से कड़कनाथ की मांग आने लगी है। खंडवा के कृषि विज्ञान केंद्र में 4 साल पहले कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म बनाया गया था। अभी वर्तमान में यहाँ 400 से ज्यादा वार्ड है जो अंडे दे रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर्याप्त मात्रा में सेल के लिए भी चिक्स भी है। कड़कनाथ की डिमांड ठंड में जो है ज्यादा होती है। इसका मुख्य कारण है कि कड़कनाथ में बाकी बर्ड के अलावा प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ इसमें आयरन और अन्य मिनरल्स इसके मांस में पाए जाते हैं, जो कि बाकी बर्ड्स में तो पाए जाते हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है। सर, कोरोना काल में भी देखने को मिला है कि इसको खाने से कोरोना बीमारी का भी कुछ प्रभाव, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा मैंने भी देखा था, और ये मुझे लगता है कि बहुत सही है, क्योंकि प्रोटीन और आयरन और मिनरल्स ज़्यादा होना किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तो उसमें कोरोना भी शामिल है। सर, क्योंकि कड़कनाथ की डिमांड बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है, किस तरीके से उसको सोशल मीडिया पर उसका प्रचार किया जा रहा है ताकि इसकी डिटेल भी बढ़े, बाहर के लोग भी जुड़े? कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लगभग 25 जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिनमें कि प्योरली 5 व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो हमारे जो पोल्ट्री फार्मिंग के हैं, जिसमें कि प्रदेश के बहुत सारे जिलों से किसान जुड़े हुए हैं। यदि हम एक पोस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से डालते हैं तो पूरे प्रदेश में वो हमारी न्यूज़ पहुँच जाती है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो है एक फेसबुक अकाउंट भी खोला गया है, जिसमें कि हम बर्ड और खेती से संबंधित जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं उनको हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं और किसानों की क्वेरीज को जो है समाधान करते हैं। क्या लगा इससे सोशल मीडिया का उपयोग करने से इसको बढ़ावा मिला है, लोगों ने रुचि दिखाना है खरीदने में, पालन करने में, सोशल मीडिया से कितना फ़ायदा दिखा आपको? सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि हमारे पास स्टॉक में हमेशा जो है चिक्स कमी रहती है,
मतलब हम कभी भी डिमांड को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते, हमारे पास हमेशा डिमांड बनी रहती, चाहे वो हमारे ज़िले की हो चाहे हमारे प्रदेश की हो। हमने अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से बर्ड भी सेल किए हैं, एग भी सेल किए हैं और चिक्स भी सेल किए हैं। कहाँ आपको कौन कौन से प्रदेश से डिमांड है सोशल मीडिया के जरिए की बात की है? सबसे ज़्यादा हमारे पास जो डिमांड आती है सोशल मीडिया के माध्यम से वो आती है महाराष्ट्र से, उसके बाद हमारे पास आती है राजस्थान से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से हमारे पास पर्याप्त डिमांड आती है, और पिछले कुछ समय से उड़ीसा के भी कई कुछ किसान हमारे संपर्क में हैं, उनकी भी डिमांड है। वर्तमान समय तक हम उन्हें सप्लाई नहीं कर पाए।